इस साल रेसलमेनिया 39 के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं गाइस जो कि इस साल रेसलमेनिया 39 को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाती है और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। क्या है वो चीजें इंटरेस्टिंग, आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक, फादर वर्सेस सन की फ्यूड हमें फर्स्ट टाइम एवर देखने को मिल रही है, वो भी इस स्टेज पे, रेसलमेनिया की स्टेज पे। मैं बहुत एक्साइटेड था शुरू से इस फ्यूड के लिए और फाइनली ये मैच हमें देखने को मिल रहा है। आई होप कि मैच ही अच्छे खासा डिलीवर हो। ऑफकोर्स रिया रिप्ली डोमिनिक के कॉर्नर में रहेगी तो अपर हैंड डोमिनिक के पास रहेगा, बट रे मिस्टीरियो भी विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। हॉल ऑफ फेम में अभी इंटैक्ट हो रहे हैं तो WWE क्या उनको हरवाना चाहेगी या नहीं, डिपेंड भी करेगा उनके आगे के रन पे कि किस हद तक वो आगे के रन में WWE के साथ रहने वाले हैं, कितना लंबा रहने वाले हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि उनको विक्ट्री देती है WWE या फिर पासिंग द टॉर्च वाला सीन यहाँ पर करती है। ड्यूसोज वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन, आई थिंक रोमन रेंस को आप फिर भी अभी चैंपियनशिप रिटेन करवा सकते हो या सोच सकते हो, बट यहाँ पर मुझे लगता है उसोज से चैंपियनशिप अभी तो ले लेनी चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक किससे बेटर टाइम मिलने वाला है WWE को। ऑफकोर्स ओपोनेंट्स बेटर मिल सकते हैं, बट केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन जिस मोमेंटम के साथ रहते हैं में जा रहे हैं, आई थिंक वो मोमेंटम उनको वापस नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात, यहाँ पर मुझे लगता है टाइटल चेंज डेफिनेटली होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर WWE ने टाइटल चेंज नहीं करे तो सबको पता चल जाएगा कि नाइट 2 के अंदर रोमन रेंस जीत ही रहे हैं, तो यहाँ पर से WWE को उसो से दोनों चैंपियनशिप लेनी पड़ेगी रेसलमेनिया के अंदर, ताकि फैंस को बिलीव हो कि हाँ भाई रोमन रेंस भी हार सकता है, और उसके बाद फिर वो अगर रोमन रेंस को जिताना चाहते हैं तो फिर वो जिता सकते हैं। इनफैक्ट अगर WWE को कोडी रोड्स को भी जिताना है तो उस केस में भी फिर उसो के पास चैंपियनशिप क्या ही करेगी, तो फिर इसका मतलब उसका हारना यहाँ पर मुझे लगता है बनता ही है, और उसोस तो यहाँ पर चैंपियनशिप हार ही रहे हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज होगी रेसलमेनिया 39 की। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस, काफी लोग बोल रहे हैं भाई ये हल्का मैच है, बट भाई ब्रॉक लेसनर ने पिछले रेसलमेनिया के अपने काफी मैचेस हारे हैं, तो यहाँ पर उसको विक्ट्री की जरूरत है और गारंटीड है कि ये मैच तो उसने जीतना ही है। बट हाँ, इस मैच में क्या एक्साइटिंग चीज होगी, ऑफकोर्स कुछ एक दो स्पॉट्स ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। F5 पड़ेगी ओमोस को, सुप्लेक्स सिटी के अंदर जाएगा, तो ये चीजें हैं जो कि ऑफकोर्स इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाएगी। ज्यादा लंबा मैच ये होना नहीं चाहिए, छोटा सा मैच होना चाहिए, बट आई थिंक दो तीन अच्छे स्पॉट अगर इस मैच में मिल जाए तो फिर आई थिंक ये मैच ठीक ठाक निकल जाएगा। गुंथर वर्सेस शीमस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, आपको बताया भाई गुंथर और शीमस के बीच में क्या मैच हुआ था लास्ट ईयर, मैच ऑफ द ईयर था वो, ड्रू मैकइंटायर इसमें एड ऑन हो चुके हैं, तो ऑफ कोर्स मैच और ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो लेट्स सी मैच जो है वो क्या डिलीवर करके देता है, हो सकता है ये नाइट का बेस्ट मैच हो, अब लेट्स सी किस हद तक ये मैच जाता है। चैंपियनशिप्स भाई कोई भी जीते, गुंथर भी रिटेन कर सकते हैं, चांसेस हाई यूनिक है ज्यादा, बट अगर WWE वो नहीं करना चाहती है तो फिर शीमस को भी दे सकती है चैंपियनशिप या ड्रू मैकइंटायर को। रिजल्ट कुछ भी हो, बट आई थिंक इस मैच में जो क्वालिटी है वो आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगी। चार्लोट फ्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली, एक और मैच जहां पर टाइटल चेंज की हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई करके जाएंगे। रिया रिप्ली लास्ट टाइम हारी थी तो इस बार उनका हारना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत तैयार होकर आई और इस वक्त उनका हारना डिफिकल्ट होगा, तो आई बिलीव कि वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन यहां पर बन ही जानी चाहिए और बनी जाएगी। सो ये भी एक चीज है जो कि रेसलमेनिया 39 के लिए इंटरेस्टिंग रहेगी। बियांका बेलेयर वर्सेस आस्का, बिल्डअप इस मैच का खास नहीं था, बट स्टिल दो अच्छे कंपेटिटर्स हैं, रिजल्ट कहीं भी जा सकता है, बियांका बेलेयर को भी जिता सकते हैं WWE आस्का को भी, और दोनों ही जो रिजल्ट्स होंगे वो बिलीवेबल लगेंगे, बट लेट्स सी क्या आस्का अपनी कोई टैक्टिक वगैरह यूज करके चैंपियनशिप जीत सकती है या फिर बियांका बेलेयर एक बार फिर से रिटेन करेगी चैंपियनशिप। ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना, एक और तगड़ा मैच है भाई। रेसलमेनिया हॉलीवुड में जा रहा है तो एक बंदा तो चाहिए भाई हॉलीवुड का, और वो है जॉन सीना। तगड़ा मैच होगा, सबको बताया भी ऑस्टिन थ्योरी उस बंदे को फेस करने वाला है जिससे उसको काफी ज्यादा कंपेयर किया गया है, सो तगड़ा मैच तो होगा ही, बट US चैंपियनशिप इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या WWE जॉन सीना को US चैंपियनशिप देना चाहती है यहाँ पर डिपेंड करेगा जॉन सीना के आगे के स्केड्यूल के ऊपर भी। ऑस्टिन थ्योरी को विक्ट्री ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज जॉन सीना को वो फेस कर रहे हैं, तो ये विक्ट्री अगर वो हासिल करते हैं तो वो जो पुश उनको मिल रहा है या जो WWE उनको बनाना चाहती है उसमें आई थिंक एक नेक्स्ट लेवल वो ले लेंगे, तो ये विक्ट्री ऑस्टिन थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बट क्योंकि जॉन सीना अपने लास्ट के बहुत सारे मैचेस हारे हैं और हमको उनको हारते हुए देखना इतना पसंद नहीं है, तो उनके लिए भी ये विक्ट्री एक तरह से आप कह सकते हो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेट्स सी अब WWE किस तरफ जाने वाली है, रिजल्ट कहीं भी जा सकता है, डिपेंड ये भी करेगा कि आगे क्या कंटिन्यू करेगी फ्यूड WWE या फिर नहीं, बट अगर ये सिर्फ एक ही मैच होगा और आगे फ्यूड कंटिन्यू नहीं होगी तो फिर उस केस में मुझे लगता है कि थ्योरी के ज्यादा चांसेस रहेंगे। सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल, सिंगल्स मैच है, ऑफकोर्स लोगन पॉल के मैचेस अगर आप देखोगे तो लास्ट से जो भी मैचेस उन्होंने डिलीवर करे हैं आई थिंक काफी हद तक इम्प्रेस उन्होंने किया अपनी परफॉर्मेंसेस से, और ये वाली फ्यूड में उनके एक आधा प्रोमो मेरे को अच्छा खासा लगा था, तो इम्प्रूव तो कर रहे हैं लोगन पॉल, और जब उन्होंने भाई रोमन रेंस और मिस के साथ अच्छे मैचेस दिए थे तो सोचो भाई सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के साथ वो किस लेवल का मैच देंगे, तो एक्सपेक्टेशन मेरे को मैच से तो बहुत ज्यादा है कि भाई अच्छा खासा मैच होगा। रिजल्ट की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर भी लोगन पॉल अगर, क्योंकि WWE इनको फुल टाइम रेस्टअप रहना चाहती है और पिछले मैचेस अपने हारे हैं, तो ये मैच की विक्ट्री उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। पर एट दी अदर हैंड सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के साथ भी जॉन सीना वाला केस है कि भाई लास्ट के बहुत सारे मैचेस वो हारे हैं रेसलमेनिया के स्पेशली, तो उनके लिए भी ये विक्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। तो WWE कहीं भी रिजल्ट दिखा सकती है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक ये वाली विक्ट्री सेथ रॉलिंस को मिलनी चाहिए, बाकी आप फ्यूड को एक्सटेंड करके आगे के पेपर व्यूज में लोगन पॉल को विक्ट्री दे सकते हो, बट आई थिंक रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस पिछले कुछ मैचेस हारे हैं, तो यहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है सेथ रॉलिंस को विक्ट्री देनी चाहिए।
रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स मेन इवेंट है रेसलमेनिया 39 का और आई थिंक अच्छा खासा बड़ा ये मैच है रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने लायक। रिजल्ट की तरफ करें हाई तो भाई कहीं भी जा सकता है रिजल्ट और यही इस मैच की जो है वो खास बात है। लास्ट ईयर जो मैच था रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का काफी प्रिडिक्टेबल था। मैं बहुत टाइम से बोल रहा था भाई रोमन रेंस ही जीतेगा, चांस ही नहीं ब्रॉक लेसनर का क्योंकि वहां पर दोनों ही चैंपियनशिप रख दी थी WWE ने। बट यहाँ पर सीन अलग है क्योंकि यहाँ पर कोडी रोड्स है सामने और कोडी रोड्स के पास भी चांस है इस मैच को जीतने का, तो मैं बोलूंगा 50-50 चांस है। WWE ने जिस तरीके से खेला है रिपोर्ट्स मतलब बाहर वगैरह करके रोमन रेंस के लिए पहले रिपोर्ट्स आई कि भाई रोमन रेंस तो जीत ही जाएंगे क्योंकि उनको 1000 दिन पूरे करने हैं। दूसरी तरफ से ये भी बिलीव है कि भाई कोडी रोड्स जीतेंगे क्योंकि रोमन रेंस ब्रेक लेने वाले, बट अब एक और रिपोर्ट आ रही है कि भाई रोमन रेंस जो है वो अभी नहीं हारेंगे अपनी चैंपियनशिप बल्कि समर स्लैम में हारेंगे और वो भी कोडी रोड्स के साथ ही हारेंगे। तो यहाँ पर कोई ऊटपटांग रिजल्ट निकाल के WWE वो चीज करेगी और फिर समर स्लैम के बाद रोमन रेंस अपना ब्रेक जो है वो लेंगे। तो लेट्स सी भाई, रिपोर्ट्स तो ऊटपटांग आ रही है, कुछ भी आ रही है, अब रिजल्ट क्या होगा अगर आप लॉजिकली सोचो तो भाई 50-50 चांस दोनों के हैं। रोमन रेंस को भी WWE रिटेन करवा सकती है, 1000 दिन पूरे करवा सकती है। और दूसरा रीजन मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि भाई क्योंकि सब बिलीव कर रहे हैं कि कोडी रोड्स जीतेंगे और इसीलिए WWE सरप्राइज कर सकती है, शॉक कर सकती है और उस शॉक मोमेंट के लिए WWE रोमन रेंस को फिलहाल यहां पर इस नाइट में जिता सकती है। बाकी अगेन कोडी रोड्स जीतते हैं तो एक बड़ा मोमेंट होता है, रोमन रेंस हारते हैं तो वो उससे भी ज्यादा बड़ा मोमेंट होगा। तो क्योंकि ये बड़े मोमेंट होंगे, रेसलमेनिया बड़े मोमेंट्स के लिए जानी जाती है, तो इसलिए कोडी रोड्स के चांस हमेशा ही रहेंगे इस मैच को जीतने के जब तक ये मैच होता नहीं है। तो लेट्स सी रिजल्ट कहां पर जाता है, अनप्रेडिक्टेबल ये मैच है और इसीलिए ये मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये मैचेस थे, बट इसके अलावा भी अगर आप देखो तो गाइस LA नाइट का कोई आपको सेगमेंट देखने को मिल सकता है, रैंडी ऑर्टन के रिटर्न आपको पॉसिबली रेसलमेनिया 39 के अंदर देखने को मिल सकती है, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन की अपीयरेंस आपको देखने को मिल सकती है रेसलमेनिया में, देन रॉक की भी कोई स्पेशल अपीयरेंस में भी देखने को मिल जाए क्योंकि रेसलमेनिया हॉलीवुड है। तो क्या WWE रॉक को लेकर आ सकती है अपीयरेंस के लिए? मैच के लिए तो नहीं लेकर आ पाई, पर क्या वो एक अपीयरेंस के लिए आ सकते हैं? क्या वो रोमन रेंस को कॉस्ट कर सकते हैं उनकी चैंपियनशिप्स? तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा अगर रॉक आते हैं तो भाई फिर तो ये मतलब आई थिंक ये रेसलमेनिया 39 वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगी इफ नॉट द बेस्ट अगर रॉक आते हैं और अगर रॉक रोमन रेंस को कॉस्ट करते हैं चैंपियनशिप। तो ये थी कुछ ऐसी चीजें जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रेसलमेनिया 39 से जो कि इंटरेस्टिंग बनाएगी रेसलमेनिया 39 को। कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स ओवरऑल मेरे हिसाब से रेसलमेनिया 39 अच्छा खासा शो बुक किया है ट्रिपल एच ने, अब लेट्स सी डिलीवर वो कैसे करते हैं। फिलहाल ये सब था आज की वीडियो के अंदर, वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।